नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान। स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स का जो फाउंडर है वो सिड नास को लेकर के ट्रोलिंग करता हुआ नजर आया। जी हां, उसके अंदर एक बात भी कही गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। क्या बात है, चलिए बताता हूँ। मे बी आपने शायद नोट किया हो या ना हो किया हो, वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा था। वहाँ पर ये बात कही गई थी कि सना का जो मैनेजर है, क्या है सना का मैनेजर, समझता है क्या है अपने आप को सना का मैनेजर, क्या अपने आप को ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझने लगा है, या फिर मैनेजर जो है वो अपने आप में ये समझता है कि मैं हाँ शनास का मैनेजर हूँ तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा हूँ। भाई खुद तो वो छोटा मोटा है, उसको कोई जानता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सना के मैनेजर को भी साथ में ट्रोल कर डाला, साथ में फैंस को भी ट्रोल कर डाला, सिड नास की जोड़ी को भी ट्रोल कर डाला, जो सिड नास की सपोर्ट में है उनको भी ट्रोल कर डाला। तो इतनी बड़ी बात यहाँ रची जा रही है सिड नास को लेकर के, कितना बड़ा यहाँ पर एक तरह का देखा जाए तो फ्रॉड किया जा रहा है। फ्रॉड किस बात का? इंस्टाग्राम आइकॉनिक अवार्ड्स के फैन पेज पर तुमने सिड नास का पिक डाल के सिड नास को नॉमिनेशन के लिए बोल दिया गया, और बाद में तुम कहते हो कि सिड नास जो है वहाँ से हटाए जाएंगे, सिड नास जो है इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में अब हिस्सेदारी नहीं है सिड नास की। क्या है आखिरकार पूरा माजरा, मैं आपको कल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने लाइव भी वीडियो आपको दिखाया था और सिड नास ने जो पैसे मांगे थे उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था कि क्या है पूरा मामला। प्रमोशन के लिए कह रहे हैं, फ्री फंड का प्रमोशन चाहिए हर किसी को सिड नास के फैम पर, और साथ में मैनेजर पर भी निशाना साधा जा रहा है कि सना का मैनेजर जो है वो एक बहुत बड़ा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता। तो समझेगा नहीं, एक इतनी बड़ी एंटरटेनिंग क्वीन और उसका मैनेजर होके भी तो समझेगा नहीं अपने आप को ओवर स्मार्ट। और आज के टाइम में ऐसा कौन सा बंदा है या कोई कौन सी ऐसी बंदी है जो अपने आप को इतने बड़े फैम पर आने के बाद ओवर स्मार्ट नहीं समझती। ये तो हमारी शनाज गिल की इतनी ज़्यादा मेहरबानी है जो फैंस के ऊपर दिल जो है वो निकाल के देती है, इस तरह से फैंस को अपना भोलापन दिखाती है कि इतना शनाज गिल का भोलापन है। और वही सिद्धार्थ शुक्ला का मोमेंट, सिद्धार्थ शुक्ला का क्या मोमेंट है, सिद्धार्थ शुक्ला इतना ट्रोल करने के बाद भी किसी को कुछ भी गलत नहीं बोलते, तो इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। अब मैनेजर तो भाई कैमरे के पीछे रहता है, मैनेजर तो दिखाई देता नहीं है हमारे को शहनाज गिल के आगे पीछे, तो मैनेजर पर क्यों बात साधी जा रही है। हालांकि मैं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हूँ कि इसने मैनेजर को क्यों साध दिया साथ में, मैनेजर की क्या गलती थी, या तेरे को मैनेजर ने मना किया, या फिर मैनेजर ने बोला है कि नहीं हमें पैसे चाहिए। आजकल सभी पैसे के लिए काम करते हैं, कोई भी फ्री फंड में काम नहीं करता। शहनाज गिल ने जस्सी गिल के साथ में जो गाना किया है ना, वहाँ पर ऑफर रखी थी, शहनाज गिल ने अभी मना किया है। हालांकि वो गाना भी फ्री में नहीं बना, वो गाना भी पैसे में ही बना है। शहनाज गिल ने ये सब बोला है कि जब उस गाने की पिक्चरलाइजिंग होगी मैं उसके पैसे तब लूँगी, अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे पता है लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम जो है वो सभी के हालात ऐसे हुए हैं और सारे काम कारोबार सब कुछ बंद हुए हैं, तो शहनाज गिल की कितनी अच्छी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, जब गाने की पिक्चरलाइज होगी मैं तब उसके पैसे लेना चाहूँगी, और तुम उससे फ्री फंड में प्रमोशन चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो फ्री में उससे नाम कमाना। तो क्या कहना आपका इस बारे में, मुझे नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नए और इनसे जुड़ी अपडेट्स भी आप तक पहुँचाई जाती हैं तो जल्दी से करिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।